हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हाउस हेल्पर नहीं आई है और दिन है सोमवार और हाउस हेल्पर आज नहीं आएगी, तो जो भी काम है सो मुझे ही करना है। तो ये कल जो तेज़ हवा चली हुई थी वही उसका पूरा पत्ता बाहर का भी आ गया है, तो इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद आंगन को मैं पानी से धो दूंगी, जैसे कि पानी से क्या मग से पानी देते जाऊंगी ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए। तो आज मैं आप सबों के साथ डेली ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और मेरे बेटे को बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दिया और भगवान से आप लोगों ने प्रार्थना किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ। और मेरा बेटा ठीक हो रहा है, ठीक क्या अभी टाइम तो लगेगा पर ठीक है, फिलहाल अभी पहले से ठीक है। और तो 8 फरवरी को ही हॉस्पिटल से रिलीज हो चुका है और वो अभी घर पे है और पहले से अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, टाइम तो लगेगा पर ठीक हो रहा है। तो आंगन धोने के बाद बर्तन था तो उसको भी साफ़ कर चुकी हूँ और आ गई हूँ मैं अब झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू लगा करके पोछा मार लूँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी बैठ करके आराम से चाय। तो पहले इस काम को निपटा लेती हूँ। Thank you.
चाय पीकर आ गई हूँ मैं आंगन में और इस कपड़े को धो ले रही हूँ। कल का ही कपड़ा है और कुछ आज का हस्बैंड नहाए हैं तो वो भी कपड़ा है, तो मशीन नहीं लगाऊंगी, बस हाथ से ही धो ले रही हूँ बैठ करके धूप में। तो मॉर्निंग का जो भी काम था वो करके मैं आ गई हूँ नहा करके किचन में और बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता में मैं बनाऊँगी ब्रेड का ये वेजिटेबल टोस्ट। तो उसके लिए ले रही हूँ ब्रोकली, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, मटर का दाने, बंदा गोभी, प्याज, अदरक और गाजर। तो इसको मैं कट करके और क्रश कर ले रही हूँ पहले। तो ये जो भी सब्जी था सो इस तरह से क्रश हो गया है। तो इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ बेसन और इसी के साथ डालूँगी ये मैं इसमें सूजी। तो बेसन और सूजी को डाल करके और उसके बाद डालूँगी मैं नमक। तो नमक मैं अपने अंदाज से डाल दे रही हूँ और इसी के साथ डालूँगी मैं हल्दी पाउडर थोड़ी सी और थोड़ी सी डालूँगी मैं नींबू का रस। तो नींबू का रस दे करके उसके बाद मैं डालूंगी मैं पानी और पानी डाल करके एक अच्छे से घोल तैयार कर ले रही हूँ। तो ये इस तरह का घोल तैयार हो गया है और इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ फ्राई पैन और डाल दे रही हूँ तेल। उसके बाद मैं डालूँगी मैं इसमें ब्रेड और ब्रेड के ऊपर से ये डालूँगी जो घोल तैयार करके रखा है उसको और अच्छे से इसको फैला दे रही हूँ ब्रेड के ऊपर से और तेल डाल करके इसको दोनों तरफ से पलटते हुए सेक लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ। मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, स्पाइसी ब्रेड टोस्ट, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी को मैं आज नाश्ते में लूंगी और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।